हेलो गाइस, आज मैं रेवेनेंट के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि प्रोफेसर और सानियंग दोनों को पता चल गया था कि मोगदान को मरवाने के पीछे प्रोफेसर के ग्रैंड पेरेंट्स का ही हाथ है। एपिसोड 8 के शुरुआत में हंगसे मुनचिन को बताता है कि जंगयून कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे आप पर नजर रखने को कहा था। एक्चुअली मैं ये कंपनी प्रोफेसर की फैमिली ओन करती है। हंगसे फिर बताता है, मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च किया, मुझे पता चला कि जितने लोगों को इस कंपनी से प्रॉब्लम थी उन सारे ही लोगों ने सुसाइड कर लिया और सारे लोगों के हाथ में वैसे ही चोट के निशान थे। उसके बाद वो दोनों मिलकर सारे केस पर अच्छे से ब्रीफिंग करते हैं। उनको पता चलता है कि ये सारा कुछ 1958 से शुरू हुआ, जब चोई मानवल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके हाथों पर भी वही चोट के निशान थे। उसके बाद हॉन्गसे बताता है, जब प्रोफेसर के ग्रैंडफादर ने कंपनी को टेक ओवर किया था तब उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और कंपनी क्राइसिस से गुजर रही थी और पुलिस वालों ने इलीगल एक्टिविटीज को लेकर उनसे क्वेश्चन भी किया था और उस केस को जो प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी अपने घर पर मरा हुआ मिला था और एविडेंस नहीं होने की वजह से उस केस को बंद कर दिया गया था। फिर वो सारे लोग मरे हुए मिले जितने लोगों से जंगयून कैपिटल को नुकसान हो सकता था। फिर कुछ सालों के बाद प्रोफेसर गैंगमो के जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे लोग मरने लग गए थे। अगर सारे केसेस को सेग्रीगेट किया जाए तो सबसे पहले के केसेस मोगदान से रिलेटेड थे और उसके बाद के केसेस जंगयून कैपिटल से, फिर प्रोफेसर गैंगमो से और लास्ट में जितने भी केसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे सानियंग से रिलेटेड हैं। उसके बाद हॉन्गसे बताता है कि मैंने सानियंग को और प्रोफेसर को लड़ते हुए सुना था। सानियंग की बातों से पता चला था कि प्रोफेसर की फैमिली ने एक बच्चे की जान ली थी ताकि उसको इवल स्पिरिट बनाकर खुद का फायदा कर सके। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं, उसे अपने डैड के घर से कुछ दवाइयाँ मिलती है। जब वो उन दवाइयों पर रिसर्च करती है तो पता चलता है कि ये सारी दवाइयाँ आंखों से रिलेटेड हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर अपने डैड के डॉक्टर से मिलती है। पता चलता है कि सानियंग के डैड इसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उनके ऑप्टिक नर्व में एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके जा रही थी। जब सानियंग अपना टेस्ट कराती है तो उसको पता चलता है कि उसको भी ये सेम बीमारी है। डॉक्टर बताता है कि इस बीमारी का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, 4 से 5 सालों में आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है। डॉक्टर बताता है कभी कभी ये गलत भी हो सकता है क्योंकि पिछले साल मैं तुम्हारे डैड से मिला था और ये तकरीबन 10 सालों के बाद था, उसके बाद भी वो बिल्कुल ठीक थे। एक्चुअली मैं जब वो डॉक्टर उनसे मिला था तब उस इवल स्पिरिट ने सानियंग के डैड को पॉजेस किया हुआ था। अब सानियंग समझ चुकी थी कि उसके डैड ने जानबूझकर उस इवल स्पिरिट को अपने अंदर आने दिया था ताकि उनकी आंखों की रोशनी न चली जाए। वहाँ से निकलकर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। उसकी मॉम ने इस एरिया में एक जगह को लीज पर लिया था। वो लोग वहाँ पर कॉफी शॉप खोलने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो जाकर सेमी से मिलती है जो अभी भी सानियंग पर गुस्सा थी। सानियंग उसको कहती है, मैं तुमको बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद वो अपने डैड के घर पर उसे ले जाती है। अब क्योंकि सेमी ने अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लिया था इसी वजह से सानियंग ने उसके लिए सरप्राइज रखा था। उसके बाद सानियंग उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे किसी इवल स्पिरिट ने पॉजेस कर लिया है और उस दिन जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा वो मैं नहीं थी बल्कि वो इवल स्पिरिट था। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर योम को देखते हैं जो सानियंग के डैड के भूत को बुलाने के लिए उसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था। वो पता करना चाहता था कि आखिर उस इवल स्पिरिट को कैसे भगाया जाता है। इस तरफ हम हॉन्गसे को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने के लिए आया था और इस आदमी के फादर की डेथ भी उसी तरीके से हुई थी। इस आदमी के डैड एक्चुअली में जंगयून कॉरपोरेशन के सीईओ का राइवल था और इसने अपनी आंखों के सामने अपने डैड को मरते हुए देखा था। वो बताता है उसके डैड ने सुसाइड नहीं किया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो छोटा था तब उसके डैड ने जंगयून कॉरपोरेशन के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किया था। तभी अचानक से एक दिन दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर जंगयून कंपनी का सीईओ खड़ा था और उसके बाद उसके डैड ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। वो देखकर समझ गया था कि उसके डैड ने ये सब कुछ खुद से नहीं किया। अगले सीन में हम सानियंग को देखते हैं। वो यूजिन के फोटो वाले पेंटिंग के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी तभी उसे बैकचागोल गांव के चीफ का कॉल आता है। वो बताता है कि मुझे प्रोफेसर योम यहीं पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। इस तरफ हम प्रोफेसर योम को देखते हैं जो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कंट्रोल में है और अपने सामने किसी ब्लैक शेडो को देख रहा था जो और किसी को नहीं दिख रहा था। जब सानियंग वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि प्रोफेसर एक तरफ देख रहा है। उसे भी वो ब्लैक शेडो दिख जाता है जो स्प्रेड हो रहा था। मिस पार्क सानियंग को बताती है कि वो ब्लैक शेडो एक्चुअली में अंधेरे का भूत है। लगातार देखने की वजह से इंसान उसके अंदर समा जाता है। सानियंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो प्रोफेसर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो शेडो कंटिन्यूअसली उनको फॉलो कर रहा था। एक्चुअली में प्रोफेसर किसी दूसरी दुनिया में अटक गया था
जिसको हर जगह पर मोकदान दिख रही थी। सानियंग प्रोफेसर को लेकर ईस्ट की तरफ जा रही थी क्योंकि ईस्ट की तरफ सनराइज होता है और जहाँ पर रोशनी ज्यादा होती है वहाँ पर भूत प्रेत कम हो जाते हैं। सानियंग बहुत ही तेजी से जा रही थी लेकिन रास्ते में उनकी कार अटक जाती है और वो शैडो भी बहुत ही तेजी से उनके पीछे आ रहा था। अब जैसे तैसे करके वो प्रोफेसर को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। अचानक से प्रोफेसर का हाथ छूटने लग जाता है लेकिन तभी वो अपने दूसरे हाथ से सानियंग को पकड़ लेता है। वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर सूरज उगता था और कुछ ही देर में प्रोफेसर को होश भी आ गया था। सानियंग उसे यूजिन की फोटो दिखाती है और कहती है मुझे वो स्पिरिट बार बार इसी डायरेक्शन में जाने को बोल रही है। दूसरी तरफ हम मुनचिन को देखते हैं जो अपने किसी दोस्त के पास आया हुआ था ताकि वो जानजेंडरी गांव के हेड के बारे में पता लगा सके। तभी मुनचिन नोटिस करता है कि उस आदमी के फाइल में एज अ गार्डियन गैंगमो का नाम लिखा हुआ था, यानी कि सानियंग के डैड। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो आदमी मर गया था तब उसकी सारी चीजें प्रोफेसर गैंगमो ने ही ले ली थी। अगले सीन में हम होंगसे को देखते हैं जो एक बहुत ही पुराने डिटेक्टिव के पास आया था। इस डिटेक्टिव ने उसी प्रोसिक्यूटर के केस को हैंडल किया था जिसने जंगयून कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। डिटेक्टिव बताता है कि वो केस मुझे अच्छे से याद है। प्रोसिक्यूटर के घर में उन्हें जंगयून कंपनी के सीईओ के फिंगरप्रिंट्स मिले थे लेकिन जंगयून कंपनी का सीईओ उस टाइम पे शहर के बाहर था और वो कभी भी उस प्रोसिक्यूटर के घर पर गया ही नहीं था और लास्ट में हमें वो केस बंद करना पड़ा क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिला था। दूसरी तरफ मुनचिन एक आदमी से मिलता है। मुनचिन ने उसे मोगदान का केस फाइल दिया था ताकि उसको रिस्टोर किया जा सके। अगले सीन में प्रोफेसर सानियंग को बताता है कि यूजिन उसका एक लौता दोस्त था लेकिन मैं उसे टाइम पर बता नहीं पाया कि वो पॉजेस है और इसी वजह से उसकी जान चली गई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर योम यूजिन को लेकर इसी टेंपल में आया था और तभी योम ने उसकी एक फोटो क्लिक की थी। उस वक्त प्रोफेसर योम ने यूजिन को समझाया था कि तुम पॉजेस हो चुके हो और इसी वजह से तुमने दो लोगों की जान भी ली है, लेकिन यूजिन ने उसकी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई। प्रोफेसर कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस कैमरे को अपने डैड के ऑफिस में रख दिया था। फिर आखिर वो तुम्हारे डैड के घर पर कैसे पहुंच गया? टेंपल में लगे हुए बैनर को देखकर प्रोफेसर को याद आता है कि मुनचुन ने उसको बताया था कि गैंगमो के कॉलिक की डेथ इसी गांव के आसपास हुई थी। उसके बाद वो बताता है कि उस इवल स्पिरिट ने जिस भी लोकेशन में किसी की जान ली है उस लोकेशन पर उस इवल स्पिरिट की एनर्जी को सप्रेस करना होता था और इस चीज को करने के लिए उसी ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता था। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उस इवल स्पिरिट से रिलेटेड वो ऑब्जेक्ट इस गांव में भी मिले, इसीलिए वो लोग यहाँ के किसी मॉन्क से पूछते हैं। मॉन्क बताता है कि गैंगमो पिछले साल यहाँ पर आया था एक पेड़ लगाने के लिए, इसीलिए वो दोनों जाकर उसी पेड़ के पास खुदाई करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ रस्सी जैसा मिलता है। सानियंग जैसे ही उसको टच करती है तो उसे बहुत ही अजीब से विजन्स दिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से एक था। उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारे डैड और मेरी मॉम उस इवल स्पिरिट को भगाने के लिए उसी 5 ऑब्जेक्ट्स को सील करना चाहते थे लेकिन वो लोग ये सब करते उसके पहले उस इवल स्पिरिट ने उनको मार दिया। थोड़ी देर में प्रोफेसर के पास मुनचिन का कॉल आता है। मुनचिन उसको बताता है कि मैंने मोगदान के केस फाइल को रिस्टोर कर लिया है। तभी अचानक से सानियंग को कुछ हो जाता है और वो उसी इवल स्पिरिट को कहीं पर जाता हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि वो इवल स्पिरिट किसी को मारने के लिए जा रही है सॉल के पुलिस स्टेशन में। तभी हम देखते हैं मुनचिन उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचा था। तभी उसे प्रोफेसर का कॉल आता है। वो उसको बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। वो जैसे ही फोन रखता है तो दरवाजे पर नॉक होता है। वो डरते हुए आगे तो जा रहा था लेकिन तभी होंगसे अंदर आता है। मुनचिन उसे दरवाजा बंद करने को बोलता है। थोड़ी ही देर में दोबारा दरवाजे पर नॉक होता है। होंगसे खोलने ही वाला था लेकिन मुनचिन उसे रोक देता है। तभी बाहर से प्रोफेसर योम की आवाज आती है, इसीलिए मुनचिन होंगसे से दरवाजा खोलने को बोलता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर सानियंग थी, यानी कि वो इविल स्पिरिट। वो हंसते हुए बोलती है तुमने दरवाजा खोल दिया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था डिटेक्टिव मुनचिन को मारने के लिए वो इविल स्पिरिट पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। प्रोफेसर योम ने उसको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि दरवाजा मत खोलना लेकिन दरवाजे के बाहर से प्रोफेसर योम की आवाज आती है, इसीलिए वो होंगसे से दरवाजा खोलने को बोल देता है। होंगसे जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर वो इविल स्पिरिट खड़ी थी। वो हंसकर बोलती है तुमने दरवाजा खोल दिया। होंगसे को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो जैसे ही मुनचिन की तरफ देखता है तो वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके हाथों पर भी वही निशान थे। वो पेपर्स को लेकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। वो होंगसे की तरफ देखकर बोलता है कि प्रोफेसर योम सच बोल रहा था। इसके पहले कि होंगसे को कुछ समझ आता,
मुंचन खिड़की से कूद जाता है। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर योम और सानियंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो मुंचन को वहीं पर गिरा हुआ देखते हैं। होंगसे जैसे ही भागता हुआ नीचे पहुँचता है तो देखता है कि मुंचन की डेथ हो चुकी है। तभी वो वहाँ पर सानियंग को देखता है। वो जाकर उस पे बहुत चिल्लाता है। वो रोते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, थोड़ी देर पहले तो तुम ऊपर थी, तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई। सानियंग रोने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो बोलती है कि अगर ये मर भी गया तो क्या हो गया, सारे ही लोग एक ना एक दिन मर जाते हैं। प्रोफेसर समझ गया था कि ये सानियंग नहीं है बल्कि वो इवल स्पिरिट है, इसीलिए वो उसको पकड़कर दूसरे तरफ लेकर जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे ही मार देना चाहिए था। तो स्पिरिट हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा अभी तक टाइम नहीं आया है। वहाँ से निकलकर जब वो थोड़ा सा आगे पहुँचती है तो उसे रास्ते में एक पब दिखता है जहाँ पर सारे लोग डांस कर रहे थे। वो भी अंदर जाकर डांस करने लग जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो अपनी मॉम के बाजू में सोई है। उसको समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई। सानियंग की मॉम बोलती है, तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें मेरे बाजू में सोना है। ये सब सुनकर सानियंग कंफ्यूज हो गई थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर वो बेड पर कुछ पिक्चर्स देखती है। ये सब देखकर सानियंग को बहुत गुस्सा आता है। वो इवल स्पिरिट से कहती है कि तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो, किसी की जान लेने के बाद तुम पार्टी कर रही थी जाकर। तभी उसके अंदर से इवल स्पिरिट की आवाज आती है। वो बोलती है, तुम्हें मेरी जरूरत है। अगले सीन में हम सारे डिटेक्टिव्स को देखते हैं। वो सारे ही लोग मुंचन के बारे में बात कर रहे थे। एक डिटेक्टिव बताता है कि हमने सारे सीसीटीवी चेक कर लिए, तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो वो लड़की यहाँ पर आई ही नहीं थी। सारे ऑफिसर्स को यही लग रहा था कि मुंचन ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वो काफी डिप्रेस रहता था। जब होंगसे वहाँ से निकलकर बाहर आता है तो वहाँ पर वो सानियंग को देखता है। वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाता है तो सानियंग उसको रोक कर कहती है कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। होंगसे कहता है, अगर तुमने इसको कन्फेस भी कर लिया तो कोई इस बात को मानेगा ही नहीं कि तुमने एक डिटेक्टिव को पकड़ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम वहाँ पर आई थी। फिर वो कहता है, कुछ दिन मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले सीन में हम डिटेक्टिव मुंचन का फ्यूनरल देखते हैं। सारे लोगों के जाने के बाद भी योम वहीं पर बैठा था। होंगसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम भूतों को देख सकते हो, अगर तुम मुंचन को देख सकते हो तो उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जान मेरी वजह से गई है। वहाँ से निकलकर होंगसे मुंचन के घर जाता है। उसके कबर्ड में रखे हुए सॉक्स को देखकर वो याद करता है कि जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तो वो बहुत अकेला हो गया था, तब मुंचन ने उसको हर वक्त संभाला था। उस वक्त योम ने सॉक्स नहीं पहना हुआ था इसलिए मुंचन ने अपने स्कार्फ से उसके पैर को ढका था और उसके बाद से हर बर्थडे पर वो उसको सॉक्स गिफ्ट करता था। योम अपना सारा सामान लेकर यहीं पर आ जाता है और वहीं पर रिसर्च करने लग जाता है। कुछ ही देर में होंगसे भी वहाँ पर आता है। होंगसे उसको पूछता है कि मरने के पहले मुंचन ने कहा था कि प्रोफेसर योम सही बोल रहा था, इसका क्या मतलब है। योम बताता है, हम जिस कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। योम कहता है, उस भूत को पकड़ने के लिए 5 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है और हमें उस भूत का नाम जानना होगा। होंगसे पूछता है, वो भूत सानियंग है क्या। तो प्रोफेसर योम कहता है, वो सानियंग नहीं है बल्कि जिस भूत ने सानियंग को पॉजेस किया है उसी ने सबकी जान ली है। योम पूछता है, मुंचन के कूदने से पहले तुमने कुछ नोटिस किया था क्या। तो होंगसे बताता है, कूदने के पहले उसने एक फाइल को जोर से पकड़ रखा था। तभी प्रोफेसर योम को याद आता है कि मुंचन ने उनको बताया था कि उन्हें मोगदान के फाइल में कुछ मिला है। उसके बाद होंगसे एक और आदमी से जाकर मिलता है जिससे मुंचन भी मिलने आया था। ये उसे वही डॉक्यूमेंट्स देता है जो उसने मुंचन को दिया था। दूसरी तरफ हम सानियंग को देखते हैं। जब वो उठती है तो वो देखती है उसके हाथों में कुछ काला निशान लगा हुआ है और वो निशान फ्लोर पर भी था, इसीलिए वो उसको फॉलो करते करते आगे जाती है। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि सानियंग चुपचाप बैठी हुई थी और उसके सामने कोई काला सा ड्रॉइंग बना था। वो बताती है कि ये इवल स्पिरिट ने किया है। सानियंग कहती है, उस इवल स्पिरिट ने हमको यूज किया उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए, अब मुझे डर है कि हमें बाकी के ऑब्जेक्ट्स ढूंढने भी चाहिए या नहीं। प्रोफेसर उसको पूछता है, जब वो इवल स्पिरिट मुंचन को मार रही थी तब तुमने कुछ देखा था क्या। सानियंग को याद आता है उस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ था। वो प्रोफेसर को बताती, इसके पहले इवल स्पिरिट अंदर से बोलती है, आवाज कह रही थी कि अगर तुमने इसको कुछ भी बताया तो इसकी भी जान चली जाएगी, इसलिए सानियंग बोल देती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। सानियंग ने जो विजन में देखा था उस डॉक्यूमेंट में यही लिखा था कि जानजनरी के एक आदमी के मरने के बाद उसकी चीजों को सानियंग के डैड ने कलेक्ट की थी और ये वही डॉक्यूमेंट था जो होंगसे को उसी आदमी से मिला था जिसके पास वो गया था। इस तरफ सानियंग को अपने डैड की चीजों में जानजनरी का एक रजिस्टर मिलता है। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि जंगयून कॉर्पोरेशन ने बहुत सारा पैसा पे किया था जिस दिन मोगदान गायब हुई थी और गाँव के लोगों को जितनी भी चीजें मिली थी वो सारा कुछ मेंशन किया गया था। उसके बाद वो सारे गेस्ट के नाम देखती है जो भी उसके डैड के फ्यूनरल में आए थे। वो ये सोचती है कि जितने भी लोग उनके फ्यूनरल में आए थे शायद वो उसके डैड
डैड को अच्छे से जानते हो। थोड़ी ही देर में होंग से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि सानियांग कहीं पर जा रही है। दूसरी तरफ योम किसी लड़की से मिलने के लिए आया था और ये लड़की किसी स्योरिन को जानती थी। स्योरिन एक लाइब्रेरियन थी और उसकी मौत भी वैसे ही हुई थी, और मरने से पहले वो प्रोफेसर गैंगमो से मिली थी। ये लड़की बताती है कि उसने उन बुक्स का नाम एक डिटेक्टिव को दिया था। उसके बाद वो बताती है मरने के पहले वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं स्योरिन एक बुक को फाड़ रही थी और उसके हाथ में भी वही निशान थे। प्रोफेसर उस बुक का नाम पूछता है तो वो लड़की बुक का नाम उसको बता देती है। उसके बाद वो सारे केस फाइल्स को दोबारा से देखता है जिसमें उसे उसी ऑथर का नाम दिखता है। उसमें लिखा था उसने जान जनरी के स्कूल से कूदकर सुसाइड किया था। इस तरफ होंग से सानियांग को फॉलो करते करते एक मोटेल तक पहुंच गया था। सानियांग जैसे उस मोटेल के अंदर जाती है तो उसे वही प्रोटेक्शन वाली रस्सी मिलती है। वो आदमी बताता है इस रस्सी को प्रोफेसर गैंगमो ने बनवाया था। सानियांग उससे पूछती है कि क्या मेरे डैड ने कोई पेड़ लगाया था क्या, तो वो आदमी हाँ बोलता है। इस तरफ से होंग से जब इस होटल का नाम सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये वही होटल था जहाँ पर प्रोफेसर की मॉम की डेथ हुई थी। वो आदमी बताता है प्रोफेसर गैंगमो के डेथ के पहले वो यहाँ पर आए थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सानियांग के डैड उसी पेड़ के पास गए थे और उस पेड़ को खोदते हुए बोल रहे थे कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। वो आदमी बताता है जब तुम्हारे डैड ने वहाँ पर पेड़ को खोदा था तब उन्हें एक हेयरबैंड मिला था जिसे लेकर वो चले गए थे और अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं सानियांग एक गाड़ी के सामने आने वाली थी तो होंग से उसको बचा लेता है। वो नोटिस करती है कि वो किसी पार्क में है। वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। वो डरते हुए पूछती है कि इस बार मैंने क्या कर दिया। वो टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर घर के अंदर आकर खुद को अच्छे से बंद कर लेती है और उसी प्रोटेक्शन वाली रस्सी को लगा लेती है ताकि इवल स्पिरिट इसको क्रॉस करके बाहर न जाए। इस तरफ प्रोफेसर योम जिस बुक को ढूंढ रहा था उसे वो बुक तो नहीं मिलता, लेकिन उसे 1959 का एक ईयरबुक मिलता है जान जनरी के स्कूल का। उस बुक के अंदर उसे उसी ऑथर की फोटो दिखती है जो शायद उस स्कूल का टीचर था, और साथ ही में उसे कोई अजीब सी ड्राइंग भी दिखती है। थोड़ी ही देर में होंग से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसको बताता है कि मैं इवल स्पिरिट से मिला था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब सानियांग ने अपनी गाड़ी को रोक दिया था तब होंग से उसके पास गया था। वो उसको देखकर समझ गया था कि ये इवल स्पिरिट है। स्पिरिट ने उससे लिफ्ट मांगा था और उसके बाद वो एक पार्क में आकर उतर गई थी। वो खुश तो लग रही थी लेकिन बार बार उसका मूड बदल जा रहा था। वो होंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई एक इंसान पसंद करे। होंग से उसको पूछता है कि तुम ये सारा कुछ क्यों कर रही हो, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो स्पिरिट ने गुस्से से कहा था अगर तुम मरे नहीं हो तो तुम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। मरना क्या होता है तुमको क्या समझ में आएगा। उसके बाद वो वहाँ की एक लड़की का हाथ दबाकर उसको दर्द देने लग जाती है। वो स्पिरिट बोलती है मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। फिर वो बोलती है मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना है। होंग से प्रोफेसर से बताता है कि मुझे उसकी सारी बातें सुनकर यही समझ में आया कि ना वो बच्ची है ना वो एडल्ट है, बल्कि मुझे वो एक टीनेजर लग रही थी, लेकिन मोगदान तो सिर्फ 10 साल की थी। दूसरी तरफ हम सानियांग को देखते हैं जो उन्हीं ड्राइंग्स को देख रही थी जो इवल स्पिरिट ने बनाया था। उस ड्राइंग को देखकर समझ आ रहा था कि उसमें फुल मून था, यानी कि स्पिरिट के मरने के पहले उसने फुल मून देखा था। फिर वो नोटिस करती है कि जब मोगदान गायब हुई थी और जब उसका मर्डर हो गया उसके बीच में फुल मून था ही नहीं। योम को अब समझ में आ गया था कि प्रोफेसर गैंगमो इसीलिए फेल हुए थे क्योंकि उनको इवल स्पिरिट का नाम नहीं पता था। इस तरफ सानियांग उस इवल स्पिरिट की परछाई को देखकर कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मोगदान नहीं हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।